जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, पिछले अंक में आपने जाना कि राजा नल और रानी दमयंती का विवाह हो जाता है। कुछ दिन दोनों के सुख पूर्वक बीत जाते हैं, परंतु तत्पश्चात राजा नल के भाई पुष्कर ने उनके साथ जुआ खेला और राजा नल ने अपना सर्वस्व लौटा दिया। तत्पश्चात दोनों की जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ, बहुत सी वेदना दोनों ने सही। घनघोर वन में राजा नल ने दमयंती को अकेले छोड़ दिया। अब आगे पर उसी रात एक और विपत्ति उन पर टूट पड़ी। जंगली हाथियों की एक झुंड ने उन व्यापारियों पर हमला कर दिया। कितने ही व्यापारी मारे गए, बहुत से घायल हो गए थे। व्यापारियों ने इसके लिए दमयंती को ही उत्तरदायी ठहराया। उनका कहना था कि स्त्री अपशगुनी है, इसे शरण देने के कारण ही हमारी दुर्दशा हुई है। वे दमयंती से दुर्व्यवहार करने पर तुल गए, किंतु उनकी मनोभावना को ताड़ करके दमयंती जान बचा करके जंगल में भाग निकली। किसी तरह अकेले ही गिरती पड़ती चेदी राज्य में पहुंच गई। उसके सिर के बाल धूल धूसरित हो गए थे, काया सुख कर मुरझा गई थी, आंखें गढ़ों में जा धंसी थी, सोने जैसे बदन का रंग काला पड़ चुका था। वहां पहुंच करके वह राजमहल के मुख्य दरबार पर एक कोने में दुबक कर बैठ गई। सहसा महारानी की नजर उस पर पड़ गई। दीनहीन दशा में मुख्य द्वार के पास बैठी दमयंती को देख करके उनका हृदय पसीज उठा। उन्होंने तुरंत द्वारपाल को भेज करके उसे भीतर बुलवाया और उसकी हालत पर तरस खा करके उसे अपनी राजकुमारी सुनंदा के लिए दासी के रूप में नियुक्त कर दिया। समय का कितना भयंकर फेरता वह है। अपने युग के सबसे महान वीर और सुंदर राजा नल की रानी सुंदरी दमयंती अपने मौसी के यहाँ ही दासी के रूप में कार्य करने को उद्यत हुई। बहुत दिनों से अपनी प्रिय पुत्री और दामाद की कुशलता का समाचार न पाने के कारण विदर्भ नरेश भीम ने कुशलता जानने के लिए अपने राज्य से कई दूतों को निषद राज्य की ओर दौड़ाया था। पुष्कर की कुशलता का समाचार जब दूतों ने उन्हें लौट करके बताया तो वे व्यग्र हो गए। दमयंती और नल को खोजने के लिए तुरंत चारों दिशाओं में अपने गुप्तचर छोड़ दिए। सिंहों से सुदेव नामक एक दूत चेदी राज्य में जा पहुंचा। राजकुमारी सुनंदा के साथ बैठी दासी को देख करके सुदेव मन ही मन सोचने लगा कि इस दासी की शक्ल तो हमारी राजपुत्री दमयंती से कितनी मिलती जुलती है। उस दासी की उपस्थिति में ही सुदेव ने राजा भीम की मनोव्यथा रानी के सम्मुख प्रकट की तो दासी बनी हुई दमयंती स्वयं को रोक ना पाई और फूट फूट करके रो पड़ी। आखिर उसे अपनी वास्तविकता प्रकट करनी ही पड़ी। चेदी की महारानी दमयंती की मौसी थी। वह दमयंती को पाकर के बहुत प्रसन्न हुई। सबके बहुत समझाने बुझाने पर कुछ दिनों बाद दमयंती अपने पिता के घर चली गई। वहां वे अपने पुत्र व पुत्री से मिली। माता पिता तथा पुत्र पुत्री को पाकर भी दमयंती को शांति नहीं मिली। मिलती भी तो कैसे, उसका मन तो अपने प्रिय पति के लिए जो तड़प रहा था। उधर राजा नल
भीषण दुख झेलते झेलते कृशकाय हो चुके थे। शरीर व चेहरे पर जोहरिया दिखाई पड़ गई थी। सुंदर चेहरा वृद्धों जैसा हो चुका था। उनका होलिया कुछ ऐसा हो गया कि कोई पहचान तक ना सका था। उन्होंने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ पहुँच करके सारथी के रूप में नौकरी कर ली। इधर दमयंती ने अपनी माँ से स्पष्ट कह दिया कि अपने पति नल के बिना वह जीवन में एक पल भी चैन नहीं पा सकती। पर समस्या यह थी कि नल को ढूंढा कहाँ जाए। आखिर दमयंती को एक तरकीब सूझी। उसने नल के वियोग में अपने दैनिक जीवन की करुणाजनक स्थिति पर कुछ पद लिखे और देश विदेश में कुछ दूतों को यह कहकर के भेजा कि वे वहां भी जाए, उन पदों का पाठ करें। यह देखे कि उन पदों को सुनकर के किसी पर कोई विशेष प्रभाव या प्रतिक्रिया पड़ती है कि नहीं, अथवा यदि कोई पूछताछ करे या उत्तर दे तो तत्काल सूचित करे। कुछ ही दिनों में प्राणत नामक एक दूत लौट करके आया। उसने दमयंती को बताया कि वे अयोध्या में महाराज ऋतुपर्ण के राजमहल के सामने उन पदों का पाठ कर रहा था तो एक सारथी के नेत्रों से आंसू भर आए। सारथी ने फिर उसके निकट आकर के कहा, जिस नारी ने इन पदों में अपना करुणाजनक स्थिति का विवरण दिया है, क्या वे अपने पति की हालात का अनुमान लगा सकती है क्या? दमयंती को समझते देर न लगी कि वे सारथी स्वयं राजा नल है। तत्पश्चात नल को विदर्भ बुलाने के लिए उसने एक और युक्ति रची। एक चतुर दूत को अयोध्या जाकर के महाराज ऋतुपर्ण को उसने यह संदेश देने को कहा कि राजा नल देश छोड़ करके चले गए हैं, अतः दमयंती के लिए दूसरा स्वयंवर रचा जा रहा है। दूत से स्वयंवर की सूचना पा करके ऋतुपर्ण वहां जाने को उत्सुक हो उठे। ऋतुपर्ण ने सोचा, अयोध्या से इतनी दूर विदर्भ तक कल ही पहुंच करके स्वयंवर में भाग लेना क्या किसी प्रकार संभव हो सकेगा? आखिर उन्होंने विदर्भ जाने के लिए तत्काल प्रस्थान करने का निर्णय लिया। वे सारथी बाहुक से बोले, आज तुम्हारे सारथी धर्म की परीक्षा है। जैसे भी बने कल दोपहर से पूर्व मुझे विदर्भ देश पहुंचा दो। दो बच्चों की माता होने के बावजूद भी दमयंती के सौंदर्य की चर्चा अब भी पहले की ही भांति होती रहती थी। इसलिए राजा ऋतुपर्ण दमयंती को प्राप्त करने के लिए ललचा उठे थे। बाहुक वायु वेग से रथ बघा रहा था। उसके रथ हांकने की कला देख करके राजा ऋतुपर्ण वे बार बार बाहुक को याद दिलाते थे, स्मरण रहे हमें स्वयंवर में पहुंचना है। आप निश्चित रहे महाराज, आप समय के पूर्व ही पहुंच करके स्वयंवर में भाग ले सकेंगे, किंतु विदर्भराज भीम के राजमहल के निकट पहुंचकर भी जब उन्होंने स्वयंवर की कहीं कोई तैयारी न देखी तब वह चकित रह गए। उनके आगमन की सूचना पाते ही स्वयं विदर्भ के राजा स्वागत करने आए। उन्हें सम्मान पूर्वक राजकीय अतिथि गृह में ठहराया गया। बाहुक के रथ हांकने के कौशल पर मुग्ध होकर के राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक यदि तुम मुझे रथ हांकने का यह कौशल सिखा दो तो मैं बदले में द्यूत विद्या में पारंगत करवा दूंगा। बाहुक तुरंत ऋतुपर्ण की बात मान। अतिथि गृह में दोनों एक दूसरे को
अपनी अपनी विद्या का कौशल देने लगे। इधर दमयंती ने सारथी बाहुक को देखते ही एकदम पहचान लिया। फिर भी रही सही शंका का निवारण करने के लिए उसने शाम को अपने पुत्र तथा पुत्री को अतिथि गृह के उद्यान में भेज दिया, जहां सारथी बाहुक के रूप में राजा नलरथ के घोड़ों की देखभाल कर रहे। दमयंती स्वयं आड़ में छिप करके देखने लगी कि बाहुक पर इस चीज की क्या प्रतिक्रिया होती है। बाहुक ने उन दोनों बच्चों को पास बुलाया और उन्हें हृदय से लगा करके तुरंत रो पड़े। बस दमयंती का रहस्य भ्रम भी दूर हो चुका था। उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि सारथी के बीच में और कोई नहीं, उसके अपने खोए हुए पति राजा नल ही है। फिर दमयंती ने बहाने से बाहुक को एकांत में बुला करके और सहसा स्वयं सामने आकर के रोती हुई बोली, आपके विरह में मैं सूखी लकड़ी की तरह जल रही हूँ, क्या अभी आप इसी तरह छिप रहेंगे? नल ने कहा, अब प्रकट होने का लाभ ही क्या है, तुम तो दूसरा स्वयंवर रचा रही हो। दमयंती, कहाँ है स्वयंवर, तुम्हें यहां बुलाने के लिए मैंने यह युक्ति की थी। मुझे मालूम था कि अयोध्या से विदर्भ की रथ यात्रा इतने कम समय में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने मात्र राजा ऋतुपर्ण के यहाँ ही स्वयंवर का मिथ्या संदेश भिजवाया था। अपने प्रति दमयंती की यह प्रगाढ़ निष्ठा दे करके नल ने उसे प्रेम पूर्वक कंठ से लगा लिया। सब कुछ सुन करके राजा ऋतुपर्ण भी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने नल से क्षमा मांगी और मित्रता कर ली। विदर्भ में दमयंती के सौभाग्य का संवाद उल्लास बन करके छा गया। उसके बाद राजा नल ने निषिद्ध पहुंच करके अपने दुष्ट भाई पुष्कर को फिर पासा खेलने की चुनौती दे डाली। पुष्कर यह सोच करके तुरंत तैयार हो गया कि इस बार वह दमयंती को भी जीत लेगा, पर दमयंती को जीतना तो दूर की बात रही। एक एक करके पुष्कर अपना सब कुछ दांव पर लगाते रहे। अब उसके सामने बैठे हैं नल अनाड़ी नहीं थे, वरन द्योत विद्या में खड़ांग विद्वान पारंगत थे। राजपाट फिर राजा नल के हाथ में आ चुका था। दमयंती की पति निष्ठा से प्रसन्न होकर के देवताओं ने राजा नल का रूप रंग फिर उसे वापस कर दी। नल चाहते तो अपने दुष्ट भाई पुष्कर को कठोर से कठोर दंड भी दे सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी उदार भावना के साथ उन्हें क्षमा कर दिया। महासती दमयंती की अगाध पति निष्ठा की यह पुण्य गाथा आज भी भारतवर्ष के इतिहास में अपार प्रेम और श्रद्धा के साथ अंकित है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।